नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां राज्यसभा चुनाव पर हरियाणा में महासंग्राम, सीएम सहित बीजेपी व जेजेपी के विधायक पहुंचे होटल। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आखिरकार राज्यसभा हरियाणा की दो सीटों पर महासंग्राम की स्थिति बनी हुई है। अरे कांग्रेस का चिंतन मंथन और विधायकों की ट्रेनिंग जहां रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही है, वहीं अब सत्ताधारी भाजपा और जननायक जनता पार्टी ने भी पंजाब मोहाली के एक बड़े होटल में अपने विधायकों का चिंतन मंथन शिविर बुला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला न्यू चंडीगढ़ के होटल ओबराय सुख विलास अपने विधायकों समेत पहुंच गए थे। हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल देर शाम तक होटल पहुंच चुके हैं। इनमें मंत्रिमंडल समूह के वरिष्ठ नेताओं और दलाल मूलचंद शर्मा, चौधरी रणजीत चौटाला के साथ साथ जजपा कोटे के मंत्री अनूप धानक के अलावा विधायक होटल पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि मंत्रियों और विधायकों के स्टाफ पुलिस कर्मियों को भी होटल के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी मंत्री विधायकों को राज्यसभा के चुनाव में मतदान की पूर्व ट्रेनिंग दी जाएगी। इस होटल में हरियाणा भाजपा मामलों के प्रभारी विनोद तावड़े के साथ साथ भाजपा पार्टी संगठन के कुछ बड़े पदाधिकारी भी पहुंच सकते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा और उनके पिता पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के भी होटल पहुंचने की सूचना है। निर्दलीय प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा और जननायक जनता पार्टी एडी सिसोटी का जोर लगाने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात तक जननायक जनता पार्टी के विधायक और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला के साथ साथ पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन उनके किसी भी वक्त पहुंचने का दावा सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि भाजपा और जननायक जनता पार्टी के सभी विधायक होटल ओबराय सुख विलास में रहेंगे और ठीक मतदान वाले दिन 10 जून को हरियाणा विधानसभा ले जाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों की ओर से होटल के चिंतन मंथन शिविर को लेकर किसी प्रकार की भी चर्चा और बिफरिंग को लेकर मीडिया से दूरी बनाए रखी है। कुल मिलाकर राज्यसभा के दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में होने के कारण मामला रोचक बना हुआ है। दरअसल मामला एक सीट पर महासंग्राम वाला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी कृष्ण लाल पवार पूर्व मंत्री की जीत सुनिश्चित है, लेकिन दूसरी सीट पर कांग्रेस की ओर से हाईकमान द्वारा भेजे अजय माकन को खड़ा किया है। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने फार्म भरा, जिसके बाद राज्यसभा के दो सीटों को लेकर यह चुनाव रोचक बना हुआ है। कुल मिलाकर चुनाव में अब वीरवार का दिन बचा है। शुक्रवार को मतदान तय है। शुक्रवार को भी इसका परिणाम सामने आएगा और लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।